In

महज एक लफ्ज़ से मुतल गुफगु होगी अल्लाह अल्लाबालमी ने फरमाया लहुद्दी मत स्वाऊवाम इसका माना मफूम क्या है इससे क्या मुराद है वो बातें मैं आपके सामने रखूँगा इन शाला हालाँकि ये नशित नायत मुख्तर रहेगी इसके बाद वाली भी एक दो नशतें मुख्तर रहेंगी हालात के पेश नज़र नशितें कभी तवील और कभी मख्तसर होती हैं बहरहाल सवाम इससे मतलक़ कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ सबसे पहली बात ये है كعربي عربی زبان میں صوامع لغوی اعتبار سے اس کا جو معنی ہے ابن فارس رحمه الله نے کہا کہ الصاد والميم والعين سمع سمع کا جو بنیادی معنی آپ बताया کہ يدل على لطافه في الشيء وتضام یہ بنیادی معنی بتایا आपने یعنی يعني خلیل جس طرح سے خلیل ابن احمد الفراهيدي رحمه الله نے کہا کہ كل متضمن متصمع یا كل منضم ضمن متصمع یہ اپ نے کہا बहरहाल ये एक तरह से इसका लोघवी माना है और इसी से जो है असऊ मातो उसी से ये मुश्तक है अरबी ज़ुबान में जब कहते हैं कि कल्बन असमा का मतलब ये होता है कि लकीफ़ उनकी मजीद हम तफस में नहीं जाएंगे ये मैंने एक तरह से एक तलब इलम के फ़ायदे के लिए इसका लो़ावी माना मैंने बता दिया कुरान मजीद में कुर मजद की सहायत करीमा में ये जो लफ्ज़ है असऊ मूरे मजीद में ये एक ही मकाम पर है तो इससे क्या मुराद है किस किस नौीयत की ये इबादतगा है उस पर हम कुछ तफसीली रोशन डालते हैं इन इस सिलसिले में तकरीबा मुफसरन आप देखिए कि ख़ास इब्न अतिया को अबू अब्दल कुरतुबी को अबू बकर को और फिर बात के जो मुफसरण है रम्हुजन किसी ने मुफसल किसी ने मुख्तसर और इबन आशोर ने एक दो बातें जायद भी आपने लिखी हैं वो ये है कि अव मा के वज़न पर है सौ मातन फ़ायलत इस वज़न पर है ये यानी मौज इबादा इबादत की एक जगह है ये लेकिन किस नौत की जगह है ये इस सिलसिले में बात ये है कि कदीम ज़माने में जो रुहबान हुआ करते थे राहिब हुआ करते थे नसारा में से जो आम तौर तो पर इबादत के लिए जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वक्फ़ कर देते थे नज़र मान लेते थे और इबादत के लिए कोई जगह मुकर कर लेते थे तो इनका नु नज़र ये होता था कि किसी दूर दराज़ के इलाके में जैसे जंगलात में या जो है मतलब आम जो लोग जहां आबाद रहते हैं उन सब से जो है दूरी इख्तियार करके शहरों से गांवों से काफ़ी दूर किसी इलाके में आ, एक, एक, एक एक इमारत होती जो बिल्कुल बिना उन मरतफ़े एक मकमल बुलंद इमारत होती आ, यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास जिस तरह से कोई बहुत बड़ा मीनार हो ऐसी कोई बुलंद इमारत होती चढ़ कर के ऊपर जाना होता और उसमें भी बिल्कुल सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता एक छोटा सा कमरा बना लेते है और उसी कमरे में उनकी रिहाइश होती और उसमें जो है रात भर वो एक चराग जला करके रखा करते थे इस वजह से भी कि जो है वो अल्लाह ताला की इबादत रात में करते रहे और इस वजह से भी कि जो लोग दूर दराज से कहीं एक गाँव से दूसरे गाँव को कदीम ज़माने में जो आया जाया करते थे इसकी मदद से वो रास्ते को मतयीन करें और फिर जो है इस इस रोशनी से मदद लेते हुए जो है समझे कि यहाँ से इतनी दूरी पर है या वहाँ पर कोई शख्स जो है मौजूद है और अल्लाह की इबादत कर रहा है और गुज़र रहा है आज भी देखिए आप यानी गाँव वग़ैरह में हम जाते हैं एक गाँव से दूसरे गाँव को जब देखते हैं शहरों में ये चीज़ बहुत कम है गाँव में जब देखते हैं कि बिल्कुल अंधेरा है कोई इबादत गाहों को आप देख सकते हैं कि बाहर जो है लाइट जली हुई रहती है उसकी कई मकासद होते हैं एक मकसद ये भी होता है कि जो है ये एक इबादतगाह है इसका एहतराम होना चाहिए यहाँ से जो है गुजरगाह है वग़ैरह वगैरह तो ये असऊ माथों क्योंकि एक बुलंद इमारत है ऊपर की जगह होती थी और इसके लिए इबादत के लिए खास कर लेते थे और लोगों से अलग थलग रहते थे ताकि जो है किसी तरह की जो है इनको दुनियावी मशगूलियत ना हो और कोई किसी का कोई ख़लल ना हो और एक चराग जला करके रखा करते थे बाद में उस उन्हीं जगहों को या उसी तर्स की जगहों को जो है यानी अल्लाह के रसूल वसम की बियासत के बाद जब मस्जिदें आबाद होने लगी सहबा तब तबिन और बाद के दौर में ख़ास तौर पर तो उसी को जो है यानी अलमिदाना यानी अजान देने की जो जगह होती है मस्जिद के बाजू में एक बाला इमारत बना दी जाए और मोजिन सबसे ऊपर चढ़े और चढ़ करके कर के अजान दे ये उसी तर्स की चीज़ है जैसे कि काजिबनाती और दीगर कुछ मुफसरिन ने कहामा हमल्हजमाइन तो ये जो है यानी असऊ है उसके बुलंद होने की वजह से असऊ माँ और उसमें वो चराख चूँगे जला करके रखते थे जिससे एक रोशनी मिलती थी लोगों के गुजरने के लिए आसानी होती थी इसी वजह से असऊ माँ को अलमनारा का नाम दिया गया क्योंकि हालांकि उससे जो रोशनी जो फूटती है जिससे जो है लोगों के लिए आसानी होती है असऊ मा का बदल ही जो है वह अलमनारा है ये जो है इसी मुनासिबत से उसके उस अमल की मुनासबत से उसकी कैफ़ियत की मुनासबत से वो जिस सिफत से मुनसफ़ है उसी वजह से उसको जो अलमनारा कहा गया आलम जहाँ तक मसला तफसीरी मालूम जो हमें मिलती हैं असोम किस तरस की इबादत इबादतगाह है इस सिलसिले में इमाम मोहम्मद इब्नजरीला तबरी रम् अपनी सनत से अबालिया रुफ़ इब्लमहरान्या रहम् उनके हवाले से एक कौल नकल किया है और सनदन जो है वो कौल दुरुस्त है आपने कहा कि सवाामबान यानी अल्लाह ने जो कहा ना कि लहुद्दीत सवा म्या यह क्या है कहा कि सवामान जो राहब हुआ करते थे राहिब का जिक्र आप देखेंगे कि जो है यानी बनी इसराइल से मुतल जो रवायात हमें मिलती हैं यानी इसराइली रवायत की बात नहीं कर रहा हूँ इसराइली रवायत एक, एक एक अलग असला है बनी इसराइल से मुतल जो अहादीस अल्लाह के रसूल से साबिशुदा हैं उनसे मुतिक जो वाकयात हमें मिलती हैं उसमें जो है राहिब वगैरह का जिक्र बहुत मिलता है असाबुलअदूद के ज़िम्मे में भी उठा लीजिए आप उसमें भी राहब का जिक्र मिलता है तो ये जो राहब जो हुआ करते थे आ, उन, उन वो अपने लिए जो इबादत आ, के तो इबादत गाह बनाते थे उसको कहा जाता है सोमातर रहबान सवा रहबान ये बात आपने कही है बतौर फ़ायदा मैं आपको ये बताऊँ एक तलब इल को इसका इल्म होना चाहिए कि इस इस कौल को जिक्र करने वाले जो आलिम दीन हैं अबुल आलिया कुन्ए से मशहूर हैं आप देखेंगे कि असानीद में अबुल आलिया अबुल आलिया कसर से मिलता है नाम को कन्या से पहचाने जाते हैं इनका नाम है रुफ़ रुफ़े के नाम से भी इनकी रिवायात हैं और तबसर तबरी की अगर बात करें तो कनीत से भी और नाम से भी दोनों एतबार से रोफ़ाए यानी रोफ़ा इब्न महरान ये मुखजरा में नौजवान थे अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में आ, बिल्कुल शाब आप सरासम की ज़िंदगी में जो है ये बायात थे और शाब थे आ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हो पाई आपकी रुअत नहीं हो पाई वह सहावी होने का शर्फ़ आपको नहीं मिल सका मुखजरमिन में से हैं आप अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह के अहद खिलाफत में आपने इस्लाम कबूल किया उमर बिन खत्ताब ख़ाब रजील से पढ़ा आपने आपसे किराज सीखी ऊबर बिन काब से आपने तलमुस किया अब्दुल्ला बिन अब्बास से पढ़ा और जैद बिन साबित से पढ़ा अबू जरागफ़ारी से आपकी मरवियात मिलती हैं रज़ी अल्लाह मजमाइन तो आलिया रहा जो है बहुत अजीम और जलील जरिए आलमी दीन हैं बल्कि ये तफस का मौक़ा नहीं है मैं कभी इनशा अबूल आलिया रमोल्ला की ज़िंदगी पर रोशनी डालूँगा क्योंकि यकीन जानना चाहिए तलब इलम को आपसे मुत्ल अहिल कहते हैं कि अबू आलिया रह जो है सहाबा के बाद यानी तफसीरी मालूम में एक बड़ा मक़ाम रखते हैं बिलखसूस खिररात की अगर बात करते हैं तो जो है आपका एक बड़ा मक़ाम है तफसीरी मालूम से मुतल आप एक अजीम मरतबे पर फायज़ हैं इमाम मुजाहिद रह की तरह अबूल आलिया रहि आलिया अबूलर के इतने जरिए आलिम होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि आपसे मिलने वाली जो मरवियात हैं यानी अहले इल्म मुफसरीन के जो तबक़ात बयान करते हैं तब उला ऊला सानिया खा सान उसकी कई नौतें हैं एक नौत तो उनके मकाम और मरतबे के अतबार से है एक और नौत भी है जो मुझे फ़िलहाल बयान करनी है वो है यानी रिवायात की अदद के अतबार से यानी सबसे पहला तबका किसका जिनसे तकरीबा चार हज़ार के तकरीबन उनसे आसार मिलते हों तफ़ी मालूम के अतबार से उनको जो पहले ज़ुमर में तब खाल में रखते हैं जो दो हज़ार से चार हज़ार के दरमियान जिनकी मरवियात मिलती हैं तफसरी मालूम के अतबार से अकवाल मिलते हैं उनको जो है दूसरे तबके में, रखते हैं। तीसरे तबके में जो एक हजार से दो हजार के दरमिया में दूसरे कोई हो और तीसरे तबके में कोई मंजिलत का ख्याल नहीं रखा जाता अदद का ख्याल रखा जाता है इस ए चौथा तबका है अदर्ररवायात के अतबार से उसमें जो है अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अनु को अनु का अनु का नाम मिलता है सहाबा में और ताबे में जिनके नाम मिलते हैं उसमें अता बिन अताबिन अबालबा का नाम मिलता है और जो है यानी आलिया अर्रिया का नाम मिलता है तकरीबन पाँच सौ से एक हज़ार के दरमियान आपकी रवायात मिलती हैं यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि आलिया रिह रहा इतने जलील आलिम दीन हैं और जो है मतलब यानी अब्दुल्ला उमर बिन खत्ताब और जो है यानी जैद साबित ओबे बिन काब रजी अल्लाह जैसे जलील

Uh, कई एक फ़ज़ाइल अल्लाह ने आपको अता किए हैं लेकिन जो ये तलामज़ा की अदद की अगर बात करते हैं तलामीज़ा बहुत कम मिले आपको एक आद दाऊद बिन अभी हिंद वगैरह और जो है बिन अनस है जिसमें दाऊद दाउदबिन अबी हिंद जो रिवायत मैंने अभी पेश किया असर मैंने पेश किया है उसमें वही तो पेश करते हैं उनसे रिवायत करते हैं तो बहरहाल तो अबूआल रिया रहा ने कहा कि यहाँ पर अल्लाह वाल ने फरमाया कि लहुद्दीत स्वामियाओं तो कहा कि सवामियाओं का माना यह है कि से मुराद ये है कि स्वामियाबा यह सनात सही है शेख शाकिर मिस्र मिसर ने एक तो कहा कि हो रिजाल सही मुतनबा रहे रजाल सही जब कहते हैं इमाम शाकिर शेख अहम मिस्र मिसर तो असही से मुराद यानी सिर्फ इमाम बुखारी रहा के सही है तो सही है नहीं सिर्फ सही जब मुतलक कहते हैं तो इमाम बुखार राम के सही है तो ये आ, सही मुस्लिम के शर्त पर है ये रिवायत इसलिए कि दाऊत बिना बिहन सही मुस्लिम के रिजाल में से हैं सही बुखारी में उनकी कोई रिवायत नहीं है इमाम बुखारी रहम्ला ने तो बस बतौर उनकी रिवायत लाए हैं तो यूं ये रिवायत सही है लेकिन जो है इमाम मुस्लिम रहा की शर्त पर सही है अलबतः इमाम तबरी रहा ने इमाम अजहाक रहम्ला से एक कौन नक़ल किया है जो सवामान की मज़ीद एक जायद सिफत मालूम होती है लेकिन वो संदन जो है असर जो है ज़ायफ़ है बल्कि शेख अहमद शाकिर मिसरी रहा कि लाल ला वाहिन। ऐसे आपने कहा तो उसमें ये बात मिलती है कि सिगार या बनौना यानी जो छोटे मोटे जो इबादत गाहें होती हैं एक छोटा सा कमरा जो होता है आज भी आप जो है हमारे मुल्क में मुतद पहाड़ों पर जो है लोग अपने अपने तरस की इबादत गाहें छोटी मोटी बना लेते हैं छोटे छोटे कमरे बना लेते हैं सवा के स्वाम शार नहा छोट जो जो बिल्कुल छोटे छोटे इबादत खाने हैं जो वो लोग बनाया करते थे लेकिन ये बहरहाल जायद बात मिलती है लेकिन ये सनतन सही नहीं है अलबतः कताद इब्न सदोसी रहा से जो रिवायत मिलती है जिसमें इसमें सवाम साबीन कहा कि साबीन जो हैं ये उनकी इबादत गाहें हैं बहरहाल शेख अहमद शाकिर शाह ने रिजालहु सिकातुन कहा है लेकिन वो कौल ज़्यादा दुरुस्त है जो अबुल आलिया रहा ने कहा यहाँ भी मुतनबा रहना चाहिए तलब इलम को कि जो किसी भी सनत से मुतल रजालसक्त कह देने से उस सनत का सही उ, 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 उस कौल उस का सही होना जो है सही जब हम कहते हैं तो वो उस पर मुकम्मल तौर पर मुंतबिक नहीं होती है उसमें एक सिफ़त की इतला मिलती है कि इसके सारे रिजाल सक़ात हैं बक़्या जो है मतलब उमूर से मुतिक इसमें बात वाज नहीं हो पाती है ऐसे में जो अबूलिया रम से मुतल हमने ज़िक्र किया है वो जो है सनदन बिल्कुल सही है अलबत अब्दरहन इब्नबातिमज़ी र्ल आपने अब्दुल्लाबिन अब्बास रजीम का एक असर नकल किया है उस असर में जो बातें हमें मिलती हैं उसमें एक तो आपने कहा कि सवा में हसम मुराद सवा में अल्लती तको नफीआ और रोहबान सवामी वो है जिसमें रुहबान रहा रहा करते थे राहिब जो इबादत के लिए बैठा करते थे वही सवामी हैं ये बात तो बेहाल दीगर आसार से इसकी तकवियत मिलती है और ये बात सही है लेकिन बिन अब्दुल्लाबिन रजी रजीमा ने इसमें जो बात एक जायद कही है वो ये है कि अलब्याहू अल्बियाू अल्बिया। से मुतल आपने कहा कि मसाजिदुल और सलावाद से मुतल कहा कना, कना, सारा और मसाजिद से कहा कि मसाजिद्लमसिमे कि इसमें एक अक्स वाला मामला हो गया सलावात को जो मसाजिद यहूद होना है और फिर अलभिया को जो मसाज, जो, 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 जो कनायस सारा होना चाहिए था इसमें अक्स हो गया है तफसील से मुतल आने वाली नशीस में इस पर गुफगु होगी इनश्ला लेकिन जो इसका पहला शिक है वो ये कि सवाम्या सवाम्याल्लती तकून फी अबान ये वाली जो बात है असवा अल वातीकुनफी रोहान के स्वामे वो हैं जिसमें जो है रहा करते थे तो ये बात करीन सेहत है और ये दुरुस्त है इमाम तबरी रहमतुल्लाह ने यही बात बतौर तस्वीब के कहा है और राजे के तौर तो पर यही कौल पेश किया है कि स्वामे से मुतालिक जो मतलब हमी आसार मिलते हैं इसमें सबसे दुरुस्त यही है जो अबिन ने बात कही रजीमा और फिर आपके शागि अबिया हम ने कहा वो ये है कि अस्सवामी अल्लाह तीतकुनोफिया अर्रोहबान इमाम तबारी रहमतुल्लाह ने एक बात ये भी कही कि जो है जिन असाब इल्म से दूसरे अकवाल हमें मिलते हैं कहा कि लहू वजहन उसके लिए एक, एक, एक मतलब यानी कोई जोड़ हो सकता है कोई रब्त हो सकता है उसके लिए भी एक जो है मतलब लघबी एतबार से एक माना मिल सकता है लेकिन अरब के यहाँ जो मरूफ है जो मुस्तफ़ीज़ है जो मशहूर है जो वो जिससे वो वाकिफ़ और जानते थे वाकिफ़ हैं वो वो यही है कि जो है असवाम अल्ला तक रोहबान मैं इस नशीस को ख़त्म करता हूँ यहाँ पर और बतौर फ़ायदे के एक बात जिक्र करने कर देता हूँ वो ये है कि सौ मतुन या सवा इसका जिक्र कुरान मजीद में तो यही एक आयत करीमा है अलबा हदीस से भी मुतल एक हदीस बता देता हूँ जिसको मैसर हो अल्लाह सुबहान तला मुझे और आपको तोफीक दें एक मतलब मुराजा कर ले उस हदीस में वो लफ्ज़ मौजूद है पढ़ लेने से बात जो है बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है हदीस बहुत मशहूर है मुतवन आल हैं सही बुखारी में मुतद मकाम पर है मसा आप देखो कि सही बुखारी की किताबो अहादिम्बिया से देख सकते हैं और सही मुस्लिम की किताबलबीसम हदीस अभी हरेरा है रज़ी अब हरे ऱी रह कहते हैं कि अल्लाह के, के, के रसूल सल्लास ने फरमाया कि यानी माँ की गोद में जो है मतलब किसी किसी बच्चे ने जो है आज तक बात नहीं की है गुफ्तु नहीं की है सिवाय जो है तीन बच्चों के सिवाय जो है तीन तीन बच्चों ने जो है माँ की गोद में गुफगु की है उसमें से क्या एक लम ये, लम ये, फिल्म हदी इल्ला सलासा माँ तक फ़िल्म हदी इल्ला सलासा माँ की गोद में जो है सिवाय तीन बच्चों की किसी और ने गुफ्तगू नहीं की है उसमें से एक तो ईसा आल हिस्सा का नाम है और जो एक और नाम मिलता है वो है जोरेज का नाम जुराइ से मुतल ये बात है कि वो एक नहायत इबादत गुजार इंसान थे और एक उनके साथ एक हादिसा पेश आ गया मैं तफसीर में नहीं जाना चाहता हूँ मैंने हवाला दे दिया है आप मुराजा कर लें सुन लें किताब किताबो अहादिस्लम्बिया में पहुँचना बहुत आसान है वो वो जो आयत करीमा है हैसूरत मरियम की वज़ कुर्फ़िल किताबी मरियम आप इस बाप के तहत देखें कि जो है वो आपको एक तवील रवायत मिल जाएगी और कुछ तफसील हैं जो सही मुस्लिम में मौजूद हैं किताबी ब्री वह में उसमें आप देख लें बात मिल जाएगी इन शाला तो उसमें इस बात की सराहत है कि जो है जुड़ै जो एक इबादत गुजार इंसान थे उनके साथ एक हादिसा पेश आ गया था लोगों ने तयश में आकर कर के उन्होंने जो एक इबादत खाना बनाया था उसको ढा दिया था उन्होंने तो उसमें उस इबादत खाना का जो नाम आता है सौमाह सौमात तो आ, लोगों ने जो है उनके सौ माह को जो है मुनहदिम कर दिया था फिर जो है अल्लाह सुबहान तआला ने जो है उनके साथ एक इकराम का मामला फरमाया उनका मामला दुरुस्त हुआ लोगों के सामने बात मालूम हुई कि जो है बिल्कुल ठीक ठाक है नेक हैं साले हैं एक इत्तेहाम जो है उनकी ज़िंदगी पर लगा था उन पर जो है लगा था फिर जो है लोगों ने सरे से जो है उनका जो सौ मा था उसकी तामीर की उन्होंने तो मैंने सौ मा सौ माँ का लफ्ज इसलिए कह रहा हूँ कि जो उसमें सौ माँ का लफ्ज़ है तो फिर एक तरह की तदबीक होती है कि ये सौ मात तो और रोहबान वाली जो बात है वो बात समझने में आसानी होगी इसलिए कि एक 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 इसमें तो एक इबादत खाने का जिक्र है उसमें एक वाकई आई है कि एक शख्स का एक सौमा था तो बात समझने में आसानी हो जाती है मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इन आने वाली नशत में आगे के जो अल्फाज हैं व बीम व सलावाबात व मसाजिद युद्ध करूफ़ी हसमि का तरह इसका तारफ़ और फिर जो इससे मुत्लक़ा कुछ और अमूर हैं वो आने वाली दो नशस्त में आपके सामने रखूँगा इन शाला अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली हमारी इस नश्त को हमारे इस हमारे वालदे हमारे कुल माविन हमारे मुशाहन हमारी अहलिया के लिए और हमारे फ़र्जंदान के लिए अल्लाह ताला हमारे लिए ज़ख़ै़़ी आखिरत करे हमारे आ, हसनात में शुमार फरमाएँ हमारे लिए कपार सयाद कर दे अल्लाह ताला हमारे लिए दीगर के लिए नफा बख्श बनाएम सुबहानक्लाब्ला अस्तफ़िर बातों मिले